नमस्कार, एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल प्रेजेंट्स एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। वुमन आर पावर। विश्व महिला दिन अंतर्गत आज हमारे साथ है सीमा माखनिया, जो सूरत की नामांकित सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है। सीमा जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपको हैप्पी वुमन्स डे, आपका मैं स्वागत करती हूँ। और सीमा जी से हम जानेंगे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, और जिस तरह से वो सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है तो वो भी बात करेंगे, और अभी तक की उनकी लाइफ जर्नी कैसी रही है। और दूसरी चीज़, वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर भी है संभव मेक लाइफ फाउंडेशन की, उनकी एक एनजीओ भी चलती है, तो उसमें भी वो क्या कार्य करती है। जैसे सक्सेस वुमन कहा जाए तो मोटिवेशनल स्टोरी, सक्सेस स्टोरी, लाइफ जर्नी, ये जो हमारा कार्यक्रम है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, और ये है विश्व महिला दिन अंतर्गत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और सूरत की जानी मनी नामांकित महिलाओं के साथ ये हमारा इंटरव्यू रहेगा। उसमें हमारे साथ आज है सीमा माखनिया। तो सीमा जी, फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और पहले तो आपके बारे में मैंने दर्शकों को बता तो दिया ही है कि आप सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर भी है और एक मैनेजिंग डायरेक्टर है एनजीओ की, तो इसके अलावा आप क्या क्या करती है वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। सर्वप्रथम तो यामिनी जी, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ वीमेंस डे की। बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, और हमारे सभी एक्जोटिक वेब मीडिया के दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ मैं। यामिनी जी, मैं आपको बताऊँ तो हाल में मैं संभव मेक लाइफ फाउंडेशन की डायरेक्टर हूँ, उसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारी जगह पे बच्चों को और स्टूडेंट्स को, लेडीज़ को मोटिवेशनल ट्रेनिंग दी है। साथ में मैं आकाशवाणी पे उद्घोषक भी हूँ, और वहाँ भी मैं अपना प्रोग्राम देती हूँ। गुजरा हुआ ज़माना कार्यक्रम है, 6 से 7 में आता है, उसमें मेरा खुद का प्रोग्राम होता है जी। फैमिली कोर्ट में मैं अनीस जो संस्था है उसके अंतर्गत मैं खुद एक काउंसलर के तौर पे भी काम करती हूँ। एनएलपी कोच हूँ, हिप्नोथेरापिस्ट हूँ, ऐसे बहुत सारे एरिया में मैं अभी काम कर रही हूँ जी। तो आपका जो सॉफ्ट स्किल ट्रेनर की हम पहले बात करें, तो आपने कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग दी है, या तो आप एज अ ट्रेनर या तो मोटिवेशनल स्पीकर आप कहीं जगह पे आप गई होंगी, तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए, कहाँ कहाँ पे आपने ये किया है। एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मुझे बहुत सारी कॉलेजेस ने आमंत्रित किया है, वहाँ मैं भरूच से लेके वापी दमन तक सभी कॉलेज, आप सोचे तो सभी कॉलेजों ने मुझे आमंत्रित किया है, और स्टूडेंट्स को मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल ट्रेनिंग दी है, जिसमें बच्चों को मैंने बहुत मतलब बेसिक तौर पे ट्रेनिंग दी है, कि जैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं की है उनको, वहाँ बहुत बेसिक लेवल पे कैसे आगे बढ़ना है, उनकी क्या मजबूरियाँ होती है, उनकी उस एज में वो क्या सोचते हैं, क्या जैसे टीन एज से वो थोड़े ही बाहर आए हुए होते हैं तो उस टाइम पे उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उस एज के स्टूडेंट्स को एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, वो सब ऐसे जैसे लड़की और लड़कों के बीच जो एक कश्मकश होती है उस एज में, वहाँ से मुझे उन्हें कैसे बाहर निकालना है और क्या समझ लेनी है, वो सब मैंने उस ट्रेनिंग में दिया है। और बच्चों ने बहुत मतलब खुशी से मुझे, जब मैं ट्रेनिंग देती हूँ मुझे लगता है कि मैं बहुत ही छोटी सी मतलब सामान्य बात कर रही हूँ, लेकिन जब ट्रेनिंग पूरी होती है, ख़त्म होती है, तब बच्चे आके मुझे बताते हैं कि मैम आपने जो बात की उसमें से बहुत सारी बातें ऐसी थी जो हमारे अंदर क्वेश्चंस थे, और वो उलझने थी, वो सब उलझने उसमें से बाहर निकली है जी। साथ साथ में मैंने सीए के स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशनल ट्रेनिंग दी है,
वहाँ पे भी मैंने उनके उलझनों के साथ साथ उन्हें कैसे पढ़ाई करनी है, अपने आप को कैसे रेडी करना है, कैसे मतलब जैसे मैंने खुद की अपनी ट्रेनिंग बनाई है, उसमें मैंने एक साथ में NLP का भी एक सेशन लिया है कि जिससे वो अपने आप को मेंटली रेडी कर सके, कुछ उलझने हो तो वो अंदर अपने अंदर वो क्वेश्चन रखे या फिर सबकॉन्शियस माइंड में उनको जो आउटपुट चाहिए वो रखे, उनका खुद का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एक पहनावा कैसा होना चाहिए, वो सब बातें अगर हम डीमोटिवेट हैं तो वो भी कैसे पहचानें, वो सब बातें वो मेरी ट्रेनिंग में आता है जी। बहुत ही अच्छी बात है। अभी की जो सिचुएशन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह आती कि मोटिवेशनल ट्रेनिंग, मोटिवेट अगर किसी को कोई करता है तो उसकी भविष्य में बहुत सारे मोड़ आ जाते हैं, उसको वो वापस अगर सही तरह से उनको कोई भी बिजनेस हो या घर हो या कहीं पे भी आपको आगे आना है, आगे बढ़ना है, तो कोई ऐसी माध्यम की ज़रूरत होती है जहाँ पे ये अगर मोटिवेशनल ट्रेनर अगर कोई ट्रेनिंग दे देते हैं तो आपकी भविष्य बहुत आगे बढ़ सकता है। तो सीमा जी, और आगे बात करते हैं कि आप एक NGO की मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो वहाँ पे आप क्या कार्य करती है और किस तरह से उसमें भी कार्यरत है? मैं संभव मेक लाइफ फाउंडेशन की डायरेक्टर हूँ, तो उसके अंतर्गत हम बहुत सारा डोनेशन करते हैं, जैसे ब्लैंकेट्स है, पुराने जो कपड़े हैं लेकिन पहनने के लायक है वो, अभी और आगे हम नई साड़ियाँ भी खरीद के जो आदिवासी एरिया है वहाँ पे लेडीज़ आती हैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए, जहाँ आरोग्य के जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे, लेकिन उनके पास एक ही साड़ी होती है, तो आगे का हमारा यही मोटिव है कि उन लेडीज़ को हम साड़ी दे कि ताकि वो अल्टरनेट उसको यूज़ कर सके, वो हमारा मोटिव है। खाना हम प्रोवाइड करते हैं, या फिर कभी कभी मिडिल क्लास के लोग जो बोल भी नहीं सकते कि हमको मदद की ज़रूरत है, वो कभी आके हमको बोलते हैं कि हमको पैसे चाहिए या फिर कुछ भी वो डिमांड करे, तो हम उसको उसके ऊपर भरोसा करके उसको उस हिसाब से हेल्प करते हैं। उसका आगे का मेरा विज़न है कि मैं उसके अंदर वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम और पांजरा पोल, उसका मेरा विज़न है, उसके लिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे हैं जी। बहुत ही अच्छी बात है सीमा जी। मैं चाहती हूँ कि आप जो एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है, तो चाहूँगी कि सूरत में नहीं पूरे गुजरात के लोग आपके साथ जुड़ के ये जो ट्रेनिंग की बात है या एक मोटिवेशनल स्पीकर की बात है करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जगह पे आप अपना ज्ञान बांटे और लोगों तक आपकी बात पहुँचे, ये मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप वहाँ पे आगे बढ़े। और बाकी भी आप काफ़ी सारे कुछ NGO है या तो ग्रुप्स है, उसमें भी कुछ ना कुछ जगह पे आप कार्यरत रही है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। उसके बारे में बताने से पहले यामिनी जी, मैं आपको एक बात ये भी बताऊंगी कि मैंने जो गवर्नमेंट लेडीज़ को लोन देती है और उसके पहले ट्रेनिंग देते हैं, उसमें भी मैंने मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स दी है, और वहाँ भी जो लेडीज़ मतलब बहुत डाउन होती है, वो काम करती है ना खुद, फिर भी इतनी डाउन होती है, तो उनको मैं पूरा टाइम मैनेजमेंट उस ट्रेनिंग में देती हूँ। उसके साथ साथ उनको कभी कभी क्या होता है कि उसमें इतनी टैलेंट भरी हुई होती है, फिर भी फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है, तो मैं उनको फैमिली का सपोर्ट कैसे प्यार से लेना है, झगड़ के नहीं। जनरली हमारे अंदर क्या है कि हम किसी भी बात को रिएक्ट करते हैं, उसके बदले मैं उनको सिखाती हूँ कि हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है, और उसके लिए हमें सबसे पहले, हमें किसी भी लेडीज़ को घर के बाहर निकलना है तो सबसे पहले उन्हें अपने घर वालों का सपोर्ट लेना है, और घर वालों का सपोर्ट लेने के लिए हमें एक से एक स्टेप, जैसे प्यार से थोड़ी सी इनकम दिखा के, और क्या होता है कि लेडीज़ यही सोचती है कि हमें बाहर निकलना है और पहले से झगड़ के जैसे हम हज़ारों कमा लें, लेकिन ऐसे हमारा घर नहीं चलता है। किसी भी इंसान को घर चलाने के लिए सबको साथ रखना है, उसमें फिर चाहे पुरुष हो या स्त्री। पुरुष का क्या है कि पहले से वो सेटल है,
लेकिन स्त्री को वो सबके दिमाग में सेटल करने के लिए धीरे धीरे सोच के उस स्टेप पे आगे बढ़ना होता है। तो मैं फिर लेडीज़ को कैसे प्यार से, मतलब वो अपनी मुश्किलियाँ जो होती है वो मुझे कहते हैं कि हमें यहाँ यहाँ मुसीबत आ रही है, तो फिर मैं उनको बताती हूँ कि इसको आप इस तरह से प्यार से अपने सास ससुर हो या अपनी ननद हो या फिर अपने देवर हो, उनसे प्यार से कैसे, बच्चे हो प्यार से कैसे उनके साथ हमें अपना बर्ताव करना है और धीरे से बाहर निकलना है, ये भी मैं करती हूँ। जी जी जी। उसके साथ आपने मुझे पूछा कि मैं और कौन कौन सी संस्था के साथ हूँ। मैं अनीस के साथ जुड़ी हुई हूँ और वहाँ मैं फैमिली कोर्ट में भी काउंसलर के तौर पे काम कर रही हूँ। जी। तो वहाँ भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि जिसमें मतलब यही बात होती है कि कभी मतलब बहुत छोटी सी बात समझदारी की होती है जो हम यूज़ नहीं करते हैं, तो वहीं हम वहाँ भी हमको यही समझाना होता है कहाँ उनको प्रॉब्लम है जो आती है, तो उस प्रॉब्लम में से उनको कैसे निकलना है वही हम देखते हैं। तीन चीज़ें मैंने नोटिस की है डाइवोर्स के लिए कि कोई भी इंसान डाइवोर्स के लिए कहाँ कब जाता है, तो पहले तो किसी दो पक्ष होते हैं उसमें से एक पक्ष की कम समझदारी होती है, तो दूसरा पक्ष उसमें कैसे टैकल करता है। अगर हमारे छोटे से समझ देने से भी वो लोग साथ में आ जाते हैं तो हमको खुशी होती है। दूसरा एक बात और है, आज के ज़माने में मैं देखती हूँ कि मोबाइल की वजह से बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम होती है, तो मैं यही गुजारिश करूँगी सबको कि हो सके उतना मोबाइल का हम पॉजिटिव यूज़ करें ताकि हमारी फैमिली में उससे कोई प्रॉब्लम ना आए। जी, ये मेरे लिए सबसे बड़ा मतलब आज का प्रॉब्लम वाली बात लग रही है। और तीसरा व्यसन, व्यसन की वजह से भी बहुत सारी फैमिली में प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उसमें भी हम देखें तो अगर कोई हमको समझाता है प्यार से, कोई तीसरी एक संस्था है जो बहुत सारे लोगों को हमारे साथ जोड़ती है और फ्री में सब, किसी को इसमें कुछ पैसा मिल नहीं रहा है, फ्री में कोई अपना मतलब जब किसी का घर संसार टूटता है और फ्री में हम उसे संजोने की बात करते हैं, तो उनकी बात मानिए और अपने घर संसार को आगे बढ़ाने की पूरे पूरी कोशिश कीजिए, और हमें भी सपोर्ट मिलेगा, इससे खुशी मिलेगी, बस मेरी यही गुजारिश है। जी, आपने कुछ एज अ JCI मेट्रो सखी में भी आप प्रेसिडेंट रही थी, तो वहाँ पे आपका जो कार्य शैली जो आपकी थी, कार्य आपने जो वहाँ पे भी किए थे, तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। 2017 में मैं JCI सूरत मेट्रो सखी में प्रेसिडेंट रही, लेकिन उससे पहले मैं जुड़ी 2012 में। वहाँ मैंने अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे तरीके थे उसको यूज़ किया। वैसे मैं बात कहूँ ना यामिनी जी आपको, तो मैं पहले 40 ईयर्स टोटली हाउसवाइफ थी। जी, मतलब एकदम डिवोटेड हाउसवाइफ जो पूरे पूरा अपने बच्चों का और अपने हस्बैंड को ही केयर करती थी और उसके सिवा उसको कुछ भी नहीं पता था। हाँ, एक चीज़ थी कि मुझे रीडिंग का बहुत शौक था, तो उसकी वजह से मेरे अंदर ये बात आ रही थी कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, खुद के लिए भी कुछ करना है, सबसे पहले मुझे खुद के लिए कुछ करना था। अगर मैं खुश रहूँगी तो मैं समाज को कुछ दे पाऊँगी, तो मुझे खुद के लिए कुछ करना था। फिर जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल में मैं जुड़ी, वहाँ से मैंने बहुत सारे जो उनके स्टेप्स है, वो जैसे उनकी ट्रेनिंग इन पब्लिक स्पीकिंग है, स्पीच क्राफ्ट है, जोन ट्रेनर की ट्रेनिंग है, नेशनल ट्रेनर की ट्रेनिंग है, वो सब मैंने वहाँ से पास की और मैं वहीं से सॉफ्ट स्किल ट्रेनर भी बनी। फिर उसके बाद में वहाँ से मुझे बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मैंने वहाँ से सीखा, और फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट बनी। प्रेसिडेंट बनने के बाद भी मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, जैसे बच्चों के लिए मैंने ड्राइंग कंपटीशन की, फिर वो भी मैंने एक्जोटिक वेब मीडिया के साथ ही की थी, जी, तो जी। उसके लिए भी मैं अभी भी आपकी शुक्रगुजार हूँ। फिर उसके बाद मैंने महिलाओं का भी सम्मान किया, बहुत सारा डोनेशन किया आदिवासी विस्तार में, जैसे सैनिटरी नैपकिन का पैड का जो मशीन है वो,
फिर वाटर प्योरीफायर, बच्चों के लिए कपड़े और बहुत सारा काम तो वैसे होता रहा, ट्रैफिक के एरिया में किया, फिर सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के एरिया में हुआ, सोशल एरिया में हुआ, बिजनेस के एरिया में हुआ कि जैसे लेडीज़ को कैसे बिजनेस करवाना है, करना है, उसके लिए भी उनको बहुत सारे रास्ते दिखाए। मैनेजमेंट के एरिया में बहुत सारे वहाँ भी हमारे काम हुए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ के मैंने मेरे माइंड में भी एक सोच थी कि मेरा एक एनजीओ होना चाहिए बहुत सालों पहले, जब मैं हाउसवाइफ थी तभी से, तो तभी वहीं से मेरे अंदर जो नींव थी वो धीरे धीरे एक जो बीज था वो पनप के बाहर आया और फिर मैंने अपना एक एनजीओ ओपन किया और अभी मैं उसमें एक्टिविटी कर रही हूँ। जी, मतलब जो आपकी लाइफ जर्नी रही उसमें आपने काफ़ी कुछ किया, मतलब एक एनजीओ, मतलब मेट्रो सखी जो है JCI की, उसमें प्रेसिडेंट भी रह चुकी है और वहाँ का भी एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। तो सीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद अपना आपका, क्योंकि अपने जिस तरह के आपकी लाइफ जर्नी थी वो आज हमें वुमेंस डे अंतर्गत हमारा जो ये कार्यक्रम था कि एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, तो आप बिल्कुल आत्मनिर्भर नारी है और हमारे साथ ऐसे आप जुड़ी है हमारा ये कार्यक्रम में, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भी स्त्री के लिए हर रिश्ते से बड़ा है उसका आत्मसम्मान, तो ऐसे ही मैं आपका फिर से वुमेंस डे पे आपका हार्दिक सम्मान भी करती हूँ, हार्दिक स्वागत भी करती हूँ। और ये जो फ्लावर्स आप देख रहे हैं वो टी खुशाल भाई ज्वेलर्स की तरफ से आपको ये गिफ्ट किया गया है, तो दी खुशाल भाई ज्वेलर्स का भी मैं खूब खूब आभारी हूँ कि उन्होंने इतना अच्छी तरह वुमेंस के लिए फ्लावर्स बनाए हैं और आपको गिफ्ट कर रहे हैं, तो उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। तो ऐसे ही हम ये जो कार्यक्रम है विश्व महिला दिन अंतर्गत एक्जोटिक वेब मीडिया प्रेजेंट्स एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, तो मिलते हैं वापस, तब तक के लिए नमस्कार। यामिनी जी, जी 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 बताइए। मैं भी दी खुशाल ज्वेलर्स का भी मैं भी खूब आभारी हूँ कि उन्होंने हम लेडीज़ को इतनी बढ़िया गिफ्ट के साथ सम्मानित किया, साथ साथ आपके भी खूब खूब आभारी हूँ। और जो एक्जोटिक वेब मीडिया के दर्शक है उन्होंने मुझे सुना, तो उसके लिए उनकी भी मैं खूब खूब आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।